फिरोजाबाद में एक गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर आग पर काबू पाया। मामला फिरोजाबाद के नालवन चौराहे का है, जहां एक गत्ता रद्दी के कबाड़ के गोदाम में कल दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का साफ पता नहीं चलता। बताया जाता है कि कहीं किसी रंजिश बस आग लगाई गई है, हालांकि अभी इस बारे में कोई ठोस आधार नहीं है। मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के नालवन चौराहे के पास बनी टावर वाली गली का मार्केट का है, जहां ताइड नामक युवक कार्टून और रद्दी का कबाड़े का काम करता है। रोज की तरह ही ताइड ने अपना गोदाम बंद किया। कुछ देर बाद ही उसे अपने गोदाम से धुआं निकलने की जानकारी पास के दुकानदारों से मिली, तो आनंद फानंद में ताइड ने आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। आग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम भी गई और लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये नालवन चौराहे के साइड में ये किराए का गोदाम था। बिल्डिंग जो है नादर बख्श के नाम से मार्केट है और उसमें जाहिद नाम है, जावेद नाम के जो है मालिकाने हैं इसके। उन्होंने अपने कबाड़े के गोदाम के लिए इन्होंने किराए पर लिया था, तो इसमें आग लगने के कारण पर स्पष्ट नहीं हो पा रहे मालकान। बता तो ये जा रहा है कि जंगली लगे थे इसके अंदर, बेसमेंट में है गोदाम। ये लालवन चौराहा है, नादरगढ़ का मार्केट है ये, और बड़े भाई काम चलाते हैं यहाँ पर, रद्दी कॉपी प्लास्टर काम है उनका। वो अभी गोदाम बंद कर रहे थे अपना, तो अचानक बता रहे कोई निकल कर जा रहा था, किसी भीड़ पी हो या कुछ भी किए हो एक्स वाई जेड, तो वो धोखे से आग लग गई। हम लोग मालूम पड़े जब तक आग काफ़ी लग चुकी थी और टमकल ही काफ़ी लेट आई है यहाँ पर, लगभग एक घंटा टमकल आई है। और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी आग बुझाने की, लेकिन तकरीबन काफ़ी नुकसान हो चुका है यहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद।